हेलो गाइस, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक नंबर 7, यूनिट नंबर फर्स्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। हम इसका क्या देखते हैं, अपनी लैंग्वेज में देखते हैं जनरली इंट्रोडक्शन। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, एक चिपचिपा फ्लूड्स होता है जो सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, चिपचिपा फ्लूड्स क्या करते हैं, जो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर गैप्स बनाने में हेल्प करता है। गैप्स बनाने में कैसे, जैसे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियास होगा या न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियोलस होगा या क्या हो गए राइबोसोम्स हो गए, ये क्या हो गए एक स्पेस के थ्रू हमारे सेल्स ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उस स्पेस को जो बनाने के अंदर जो हेल्प्स करता है वो हमारा साइटोप्लाज्म करता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है जो एनक्लोज्ड होता है, यानी कि क्लोज्ड होता है, जो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ होता है उसको हम बोलते हैं सेल्स वॉल, जिस जो टॉपिक हम पहले इससे पहले पढ़ चुके हैं। हमारी वीडियो सेल वॉल के ऊपर भी है, जो वीडियोस आप देखने चाहते हो तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो। जो साइटोप्लाज्म होता है ये गैप्स बनाने में हेल्प करता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वे होते हैं, वे लटके हुए रहते हैं इसके अंदर, यानी कि गैप्स बना हुआ रहता है। अब हम क्या करते हैं, हम पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, यानी कि सेल्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर मौजूद होता है, और क्या करता है, जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है, जो सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा क्या होता है, एनक्लोज्ड, यानी कि बंद रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है। किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, एनक्लोज्ड, यानी कि बंद रहता है। सेकंड टॉपिक में, सेकंड पॉइंट में हम क्या देखते हैं, द साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड देयर फोर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। क्या बताया गया इस पॉइंट के अंदर, ये बताया गया जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, जो अदर सेल्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, इन क्या होते हैं, अदर वेरियस और कुछ में भी क्या होते हैं, सेल्स ऑर्गन्स के अंदर मौजूद रहते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है ये मोस्ट कॉमन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेंटर में मौजूद रहता है सेल के। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं, द सेल परफॉर्म मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक्स का मतलब होता है, यानी कि किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट कर देना। मान लिया ये मार्कर है हमारा, इसको हमने क्या किया, दो भागों में कन्वर्ट कर दिया। यदि इसे हम छोटे और भागों में कन्वर्ट कर दे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ये परफॉर्म, यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के होती है वो उसके अंदर निभाता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस या सेल डिवीजन। ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। जो हमारा लाइसिस का मीन्स होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसलिए क्या कराता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज को छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है सेल डिवीज़न, यानी कि अपनी जैसी प्रतिलिपि बनाने के लिए सेल डिवीज़न में जो हेल्प करता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म। हम क्या देखते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म इज फ्लूड इन विच सेल ऑर्गन्स रिमेन सस्पेंडेड। इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया, जो बेसिकली क्या होता है,
जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है ये एक फ्लूड्स है। फ्लूड्स का मतलब होता है यानी कि लिक्विड मटेरियल्स है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। वे क्या होते हैं, जो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर, सस्पेंडेड का मतलब होता है लटके रहना, यानी कि जहाँ पे है वे वहीं पे लटके रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो साइटोप्लाज्म क्या करता है, हेल्प करता है सस्पेंडिंग प्रोसेस के अंदर। फंक्शन देखते हैं हम क्या करते हैं साइटोप्लाज्म के, हम फंक्शन देखते हैं यानी कि साइटोप्लाज्म के कार्य क्या है। प्रोवाइड साइट ऑफ फॉर सेल ग्रोथ, क्या करता है जो हेल्प प्रोवाइड, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया हमें फंक्शंस के अंदर, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, प्रोवाइड सेल, प्रोवाइड साइट फॉर सेल ग्रोथ, यानी कि क्या करता है जो साइटोप्लाज्म होता है सेल की ग्रोथिंग में भी क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, हेल्प देता है सेल की ग्रोथिंग में, यानी कि सेल को मैच्योर होने में अपनी भूमिका निभाता है साइटोप्लाज्म। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनिल्स, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं यानी कि जो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, ये जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स, उनमें क्या करता है प्रोवाइड करता है स्पेस, स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन से वे बचे रहते हैं, एक अपने निजी स्थान पर बने रहते हैं। ये है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बताया, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स इन सेल्स, सेल्स के अंदर क्या होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंटिंग में मदद करता है, जो मूवमेंट करने में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना है सूचना को लेकर, तो उसमें जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो हमारा साइटोप्लाज्म ही करता है। इसलिए क्या बताया इसमें, इसलिए क्या बताया गया लास्ट पॉइंट में, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स इन सेल, सेल के अंदर जितने भी सेल्स एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सेल्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या करता है मूवमेंटिंग में हेल्प करता है। यदि आज के हमारे वीडियोस, यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।